मध्य प्रदेश में इस बार चार महीने कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। 6 से 7 नवंबर एमपी सहित कई राज्यों में तापमान तेजी से गिरेगा। इसके बाद शाम को धुंध और सुबह कोहरा छाने लगेगा। मध्य प्रदेश में अगले एक हफ्ते में ठंड जोर पकड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में दो पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाले हैं। इस वजह से 6 नवंबर से तापमान तेजी से जो है गिरना शुरू होगा। खासतौर पर रात के तापमान में 11 से 17 डिग्री का अंतर आ जाएगा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में आसमान साफ रहने से रात से जो है सुबह तक सर्दी महसूस होगी, लेकिन दोपहर का तापमान फिलहाल 30 से 35 डिग्री के बीच ही रहेगा। सुबह और शाम के समय धुंध और कोहरा छा सकता है। बिल्कुल खुले स्थानों पर हल्का कोहरा भी छा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले चार महीने पहाड़ी राज्यों से मध्य भारत तक के राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। इस समय उत्तर पश्चिम से लेकर मध्य भारत तक शुष्क पश्चिमोत्तर हवाएं चल रही है। उत्तर के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ये हवाएं बर्फीले इलाके से जो है गुजरती हुई मध्य जो है भारत तक ठंडक लेकर पहुंचेगी। 6 से 7 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना तक जो है तापमान तेजी से गिरेगा। अभी राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से ऊपर और दिन का पारा 32 डिग्री के ऊपर चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक परमेंद्र कुमार ने बताया कि मौसम शुष्क और आसमान साफ होने के कारण अभी दिन का तापमान ज्यादा है। साइक्लोन बनने की वजह से उत्तर से हवाएं नहीं आ पा रही है। 6 नवंबर के बाद जो है ठंड बढ़ना शुरू होगी।